प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंचे। तुमकुर में उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी किस्त जारी की। मंच से ही उन्होंने टैबलेट पर बटन दबाकर ये राशि जारी की। इस दौरान पीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़वे किसान के खाते में पैसा जमा किया गया। साथ ही आज इस कार्यक्रम में एक साथ देश के 6 करोड़ किसान परिवारों के खाते में 12,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई राज्यों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को राजनीति की वजह से लागू नहीं किया है। ऐसी राजनीतिक मानसिकता ने किसानों को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पीएम मोदी ने कहा कि हर ब्लॉक और जिले से विशिष्ट उत्पादों की पहचान करने और इसके मूल्य को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों की अलग पहचान उनके निर्यात मूल्य में वृद्धि सुनिश्चित करेगी। मुझे उम्मीद है कि नए साल में उन सभी राज्यों ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू नहीं किया है, वे अपने राज्यों में किसानों की मदद करने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर इसे लागू करेंगे। इस तरह की राजनीतिक मानसिकता ने किसानों के लाभ को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि देश में एक समय था जब सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए भेजे गए धन का एक बड़ा हिस्सा बिचौलिए द्वारा खा लिया जाता था। गरीब के लिए 1 रुपए पैसा जाता था तो सिर्फ 15 पैसे ही उस तक पहुंचते थे, बाकी के 85 पैसे बिचौलिए मार जाते थे। आज सारा धन सीधे गरीबों और किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसान परिवारों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाएगी। इसी दौरान मोदी ने कृषि कमरण पुरस्कार वितरित किए और कहा कि सरकार किसानों की स्थिति में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि दशकों से चली आ रही सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और अन्य सभी योजनाएं किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हमारी सरकार ने देश के किसानों की मांगों के अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1.50 गुना वृद्धि की है। हमारे सरकार के प्रयासों के कारण भारत में मसाले के उत्पादन में 25 लाख टन से अधिक की वृद्धि हुई है और इसका निर्यात भी 15,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 19,000 करोड़ रुपए हो गया है। साथियों, जो लोग आज भारत की संसद के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आज जरूरत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की हरकतों को बेनकाब करने की है। अगर आपको आंदोलन करना ही है तो पाकिस्तान के पिछले 70 साल के कारनामों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, आपके अंदर एक दम होना चाहिए। अगर आपको नारे लगाने ही है तो पाकिस्तान में जिस तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ नारे लगाइए। अगर आपको जुलूस निकालना ही है तो पाकिस्तान के आए दलित पीड़ित शोषितों के समर्थन में जुलूस निकालिए। अगर आपको धरना देना ही है तो पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ धरना दीजिए। हमने हिंदुओं पर जुल्म किया, सिखों पर जुल्म किया, जैन और ईसाइयों पर जुल्म किया, लेकिन कांग्रेस और उसके सारे साथी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते हैं। आज हर देशवासी के मन में सवाल है कि जो लोग पाकिस्तान से अपना धर्म बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बेटियों को बलात्कारियों से बचाने के लिए, उनकी जिंदगी बचाने के लिए भारत के शरण आए, उनके खिलाफ कुछ जुलूस निकाले जा रहे हैं, लेकिन जिस पाकिस्तान ने वहां की माइनॉरिटी के खिलाफ, वहां के हिंदू सिख ईसाई के ऊपर जो जुल्म किया, उनके खिलाफ इन लोगों को बोलने की न फुर्सत है, क्या कारण है उनके मुंह पर आज ताले क्यों लगे, क्यों पाकिस्तान के खिलाफ
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।